दोस्तों, बॉलीवुड में भारत की हीरोइन का दबदबा तो शुरू से ही रहा है, लेकिन इसके अलावा भी आपको बॉलीवुड में ऐसी हीरोइन देखने को मिल जाएंगी जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखती हैं। आज हम आपको उन हीरोइन के बारे में बताने वाले हैं जो पाकिस्तान की हीरोइन है, लेकिन अपनी पहली ही फिल्म से इन्होंने बॉलीवुड हीरोइनों के होश उड़ा दिए। हम जिस अभिनेत्री के बारे में बात कर रहे हैं उनका नाम है जिबा बख्तियार, लेकिन आज भी लोग इन्हें हिना के नाम से जानते हैं क्योंकि इनकी पहली बॉलीवुड फिल्म थी हिना। अपनी पहली ही फिल्म में इन्होंने नाम और शोहरत दोनों पाया, लेकिन इसके बावजूद ये अचानक बॉलीवुड की दुनिया से गायब हो गई। और आज ये कहाँ है, क्या करती हैं, इस बात से इनके फैंस आज भी अनजान हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं आज ये कहाँ हैं और क्या करती हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। जिबा का जन्म 5 नवंबर 1965 को पाकिस्तान में हुआ। जिबा का असली नाम शाहीन था। इन्होंने लाहौर और कतार से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद पाकिस्तान में छोटे पर्दे पर अपना करियर की शुरुआत की और अनारकली में अहम रोल निभाया। अनारकली में जिबा के अभिनय को खूब सराहा गया। उनकी अदाकारी देख बॉलीवुड में उनको आर के बैनर तले बन रही फिल्म हिना में अहम रोल मिला। इस फिल्म में ऋषि कपूर और अश्विनी भावे जैसे मुख्य किरदार थे। ये फिल्म 1991 में रिलीज हुई, जिसमें जिबा का अभिनय और मासूमियत भरा चेहरा दर्शकों को काफी पसंद आया। लेकिन इन सब के बावजूद इन्हें बॉलीवुड फिल्मों में ज्यादा काम नहीं मिला। ये दोबारा पाकिस्तान चली गई और वहीं काम करने लगी। कहा जाता है कि जिबा ने 4 शादियां की है, जिनमें से उनकी पहली शादी से उन्हें एक बेटी है और उन्होंने दूसरी शादी मशहूर सिंगर अदनाम सामी से की, जिनसे उनका एक बेटा भी है जिसका नाम अजान रखा गया। 1997 में अदनान सामी से तलाक के बाद उन्होंने सोहेल खान लेघारी से शादी की। अब जिबा पहले से ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। इन पर उनके बुढ़ापे का असर बहुत कम दिखता है। और आज भी ये पाकिस्तान की टीवी सीरियल्स में काम करती है। दोस्तों, क्या आपको भी जिबा का अभिनय हिना फिल्म में अच्छा लगा था? तो हमें कमेंट में लिखिए हिना और बता दीजिए अपना जवाब। बॉलीवुड के गुमनामी चेहरों की खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।